इन दिस टॉपिक हमने एनर्जी का कैलकुलेशन, कॉस्ट कैलकुलेशन की थी, एनर्जी कैलकुलेशन, पावर कैलकुलेशंस की थी। ठीक है, ये हमने सारा काम किया था। तो आज हम लोग जो डेंजर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उनको पहले देखेंगे, उसके बाद फिर हम सेफ्टी मेजर्स की तरफ जाएंगे। तो इसमें जो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ लाइंस हैं, अगर ये आप एक दफा पढ़ लेंगे तो आई होप आप लोगों को कभी प्रॉब्लम नहीं होगा इस टॉपिक से रिलेटेड। तो इंसुलेटिंग मटेरियल बिकम्स डिग्रेडेड विद द टाइम एंड यूज। ऐसे ही होता है ना बेटा, वर्न आउट हो जाता है। और बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल केबल्स मे कॉज द इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन टू क्रैक एंड ब्रेक। ठीक है, ये अक्सर हमारे पास घर में जो हमारी इस्त्री होती है, आयरन जो होती है, उसकी केबल में अक्सर ऐसा होता है, उसमें वो जो है उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। ठीक है, दस एक्सपोजिंग द कंडक्टिंग वायर इनसाइड। तो उसके अंदर जो वायर्स होती हैं वो वायर्स एक दूसरे के साथ एक्सपोज हो जाती है। यानी अगर ये आपके पास एक्सटर्नल वो है, केबल का एक्सटर्नल वो है प्लास्टिक है और ये इंटरनल है, तो ये दोनों आपस में लिंक हो जाएंगे क्रैक्स की वजह से। ठीक है, तो एन एक्सपोज लाइव वायर कैन कॉज सिवियर इलेक्ट्रिक शॉक टू द यूजर व्हेन टच्ड, लीडिंग टू सीरियस इंजरीज इवन डेथ। तो ऐसे ही होता है, जब हमारे पास अगर हम क्रैक आया हुआ हो किसी वायर में और उसको हम हाथ से टच हो जाए या इस तरह से हमारा उससे कोई कांटेक्ट हो जाए, तो उसके बाद इलेक्ट्रिक शॉक फील होता है और वो सिवियर भी होता है, हो सकता है, डिपेंड करता है वोल्टेज पे, और इवन के लोग जो है वो उसमें उनकी डेथ भी हो जाती है। आई होप इन 3 पॉइंट्स में किसी के जहन में कोई क्वेरी नहीं है। अगर है तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मुझे मैसेज भेज दीजिए। तो नेक्स्ट हमारे पास है ओवरहीटिंग ऑफ केबल्स। बेटा हमारे पास जो घर की केबल्स होती हैं, जो वायर्स होती हैं, अगर हम उन वायर्स को देखें तो वो वायर्स हमारे पास जो है वो डैमेज हो जाती हैं, और डैमेज होने के बाद वो एक दूसरे से कांटेक्ट में आ जाती है। ठीक है, मैं यहाँ देखता हूँ शायद कोई वायर हो हमारे पास इस तरह की। चलिए बहरहाल चलिए इसको देख लेते हैं, इस वाली डायग्राम को। तो ये तो खैर किसी वायर के थ्रू कांटेक्ट में आया, लेकिन ऐसे वायर्स आपस में ड्यू टू द ब्रेकेज ऑफ द प्लास्टिक इंसुलेशन, वायर्स की जो लाइव और न्यूट्रल वायर्स हैं वो एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, फर्ज करते हैं आप यहाँ पे देखें, इस जगह पे ये कंटिन्यूअस ये बेंड आ रहा है, यहाँ पे भी बेंड है, यहाँ भी बेंड है। तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ऐसा हो सकता है कि ये जो प्लास्टिक है इसके ऊपर की ये डैमेज हो जाए और यहाँ से लीकेज ऑफ करंट स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो दिस इज अ पॉसिबिलिटी, इस तरह से आपके पास इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो जनरेट हो जाते हैं। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई थिंक। ओवरहीटिंग ऑफ केबल्स, अब केबल में करंट ज्यादा फ्लो करेगा, केबल डिजाइन हुआ हुआ है एक सर्टन अमाउंट करंट कैरी करने के लिए, अगर उसमें ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो उससे वो केबल हीटअप होगी, और हीटअप होने से क्या होगा बेटा, उसकी जो इंसुलेशन है वो डैमेज हो जाएगी। ये भी एक आपके पास प्रॉब्लम अराइज करता है, घरों में हम देखते हैं। तो ये क्यों होता है, अ थिन वायर हैज अ हायर रेजिस्टेंस कंपेयर टू थिक वायर, देयरफॉर इट विल प्रोड्यूस मोर हीट दैट विल डैमेज द इंसुलेशन एंड मे कॉज अ फायर। ठीक है, सही है बेटा, इसमें ये सारा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, इसमें कोई कॉन्सेप्चुअल इस तरह की कोई वो नहीं है मेरे ख्याल में। अगर कोई है किसी के जहन में कोई प्रॉब्लम तो प्लीज आप बता दें। इसी तरह से बेटा एक डैम्प कंडीशंस है, डैम्प कंडीशंस में क्या होता है बेटा, जो पर्सन किसी भी अप्लायंस को हाथ लगाता है उसके हाथ अगर गीले हैं तो जो पानी होता है, जो वाटर होता है, वो कंडक्टिंग पाथ प्रोवाइड करता है और इस तरह से करंट उसमें से फ्लो करता हुआ जाता है। जैसे यहाँ पे हमने कोट किया है, फॉर एग्जाम्पल इफ अ हेयर ड्रायर कनेक्टेड टू द मेन पावर फॉल्स इन टू अ बाथटब वाइल अ पर्सन इज बाथिंग, द पर्सन में गेट इलेक्ट्रोक्यूटेड एज वाटर इज इन एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है क्योंकि वाटर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है।
और द वाटर प्रोवाइड अ कंडक्टिंग पाथ फॉर अ लार्ज करंट टू फ्लो। तो इस तरह से डी अक्सर जो हमारे पास लॉन्ड्री वाला सेक्शन होता है घर में, वहां पर अक्सर ऐसे प्रॉब्लम अराइज करते हैं। वहां पे जो वॉशिंग मशीन होती है उससे इलेक्ट्रिक शॉक एक्सपीरियंस होते हैं, और उसका रीजन भी वन ऑफ द रीजन ये होता है कि डैम्प कंडीशंस होती हैं। उन डैम्प कंडीशंस की वजह से इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है किसी का। भाई जहन में कोई प्रॉब्लम, तीन डेंजर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमारे सिलेबस में: डैमेज इंसुलेशन, ओवर हीटिंग ऑफ केबल्स एंड डैम्प कंडीशंस। प्लीज किसी के जहन में कोई क्वेरी है तो बताएं। सेफ्टी फीचर्स हैं, सेफ्टी फीचर्स में आपको मैं फ्यूज पढ़ा चुका हूं, ठीक है। पहला हमारे पास सर्किट ब्रेकर्स हैं, ये हमारे घरों में लगे होते हैं। ये मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है हमारे घर में जो फिक्स होता है, और ये लीकेज सर्किट ब्रेकर है। ये अर्थ वायर के अंदर होता है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, इसे ELCB कहते हैं। और ये मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है, ये जो हम घर में एसी के साथ लगा होता है या घर के अंदर जो हम कनेक्ट करते हैं, ये मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द दीज सर्किट ब्रेकर्स? दीज आर द सेफ्टी डिवाइसेस दैट कैन ब्रेक और स्टॉप द इलेक्ट्रिकल सप्लाई व्हेन देयर इज अ हाई करंट इन द सर्किट। जैसे ही करंट हाई होगा तो बेटा ये मैग्नेटिक इफेक्ट टेक प्लेस करेगा, उसकी वजह से ये करंट को ब्रेक कर देगा, ठीक है। अब ये कैसे ब्रेक करता है, इसकी वर्किंग प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मुझे जो है लाउड स्पीकर भी डिस्कस करना है, और मैग्नेटिक इफेक्ट में ये सर्किट ब्रेकर भी डिस्कस करना है। तो बहरहाल अभी फिलहाल तो आप ये सोचें, व्हेन जिस तरह से फ्यूज के लिए बेटा आपने सोचा था, फ्यूज के लिए आपने क्या सोचा था कि जैसे ही एक्सेसिव करंट फ्लो करेगा फ्यूज ब्लो कर जाएगा, ठीक है। जैसे ही एक्सेसिव करंट फ्लो करेगा फ्यूज ब्लो कर जाएगा, तो अब ये उसका ऑल्टरनेटिव है। जैसे ही एक्सेसिव करंट फ्लो करता है तो सर्किट ब्रेकर क्या करता है, वो ट्रिप कर देता है, वो सप्लाई को स्विच ऑफ कर देता है, ठीक है। द मिनिएचर सर्किट ब्रेकर MCB प्रिवेंट्स एक्सेसिव करंट फ्लो थ्रू द सर्किट बाय ट्रिपिंग और ब्रेकिंग इट। द RCD डिटेक्ट्स स्मॉल करंट लीकेज फ्रॉम द लाइव वायर टू द अर्थ वायर। व्हेन दिस हैपेंस द करंट इन द लाइव वायर विल बी ग्रेटर देन द न्यूट्रल वायर कॉजिंग RCD टू ट्रिप। ये आपके पास अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है। अब ये जैसे ही, अब इसका पर्पस कैसे होता है ये मैं कोशिश करता हूँ कि कहीं पे मैंने, यस, ये पर्सन कुकिंग कर रहा है, ठीक है। अगर ये लाइव वायर है, ये लाइव वायर 8.3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ये लाइव वायर एक्सपोज हो गई और मेटल केसिंग को टच कर रही, तो जैसे ही ये पर्सन इसको हाथ लगाता है तो इसे इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है, ठीक है। अब इसके साथ बेटा यहां पर देखें, अब हमने एक थर्ड वायर इसमें ऐड किया, दैट इज अर्थ वायर। इस वायर को हमने इसकी मेटल केसिंग के साथ कनेक्ट करके अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया, यानी अर्थिंग कर दी। अब क्या हुआ, अब दो करंट के पास दो पाथ हैं, ठीक है। एक तो यह है कि वो इस वायर से भी फ्लो कर सकता है और एक इस ह्यूमन से भी फ्लो कर सकता है। ये यहां से भी फ्लो कर सकता था, जैसे यह फ्लो कर रहा है, यहां पर भी ऐसे फ्लो कर सकता है। अब दो पाथ हैं इसके पास, ठीक है। अब द शॉर्ट सर्किट करंट विल चूज टू फ्लो थ्रू द लो रेजिस्टेंस अर्थ वायर। अब इस ह्यूमन की रेजिस्टेंस ज्यादा है और इस अर्थ वायर की रेजिस्टेंस कम है, तो जो करंट होगा वो क्या करेगा, वो इजिएस्ट पाथ को सीक करेगा। तो जो यहाँ शॉर्ट सर्किट से जो करंट प्रोड्यूस होगा वो इस अर्थ वायर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब अर्थ वायर का पर्पज क्या है बेटा, अर्थ वायर का पर्पज ये है कि ये जो हम इंसान जो है इनको क्या करेगा, ये प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करेगा, इफ लाइव वायर इज एक्सपोज एंड इज टचिंग द केसिंग, मेटल केसिंग ऑफ द अप्लायंस, देन द करंट, द शॉर्ट सर्किट करंट विल फ्लो थ्रू द अर्थ वायर इंस्टेड ऑफ फ्लोइंग थ्रू दैट पर्सन। ये अर्थ वायर में से फ्लो कर जाएगा, इस तरह से ये ह्यूमन को क्या करती है, प्रोटेक्ट कर लेती है। जो भी उसका यूजर है उसको कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अच्छा, इन द इवेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट लाइव वायर टचिंग टचेज मेटल केसिंग, द शॉर्ट सर्किट करंट विल फ्लो टू द ग्राउंड थ्रू द लो रेजिस्टेंस अर्थ वायर। व्हेन द यूजर टचेज द मेटल केसिंग, नो करंट विल फ्लो थ्रू द हायर रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी,
हेंस द अर्थ वायर प्रोटेक्ट्स द यूजर, दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट। ये आपको लाइन याद करनी है, दिस इज द फंक्शन ऑफ अर्थ वायर, ये अर्थ वायर का फंक्शन आ गया। ठीक है, क्लियर होगी बात ये? ठीक है बेटा, तो ये जो हमने यहां पर लिखा था, अब इसको समझे, ये अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर जो है, आरसीडी डिटेक्ट्स स्मॉल करंट लीकेज फ्रॉम द लाइव वायर, ये लाइव वायर में से करंट की लीकेज डिटेक्ट करता है अर्थ वायर में। ठीक है, अच्छा एक बात और भी शायद आपको याद भी हो, मैंने अभी समझाई भी थी, ये अगर आपकी लाइव वायर है, ये एक अप्लाइंस है, और ये आपकी न्यूट्रल वायर है, तो जो करंट फ्लो करेगा लाइव वायर में, फर्ज करते हैं ये 5 एम्पेयर है, तो बेटा न्यूट्रल वायर में भी 5 एम्पेयर करंट होगा, क्योंकि ये एक दूसरे से सीरीज में कनेक्टेड है। ये याद रखिएगा बेटा, जो लाइव और न्यूट्रल वायर्स हैं, इनमें करंट हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, लाइव और जो न्यूट्रल वायर्स हैं, इनमें करंट हमेशा इक्वल होगा, ये बात हमेशा आपने याद रखनी है। अब ये सोचिए जरा कि अगर लाइव और न्यूट्रल वायर का करंट सेम नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देयर इज सर्टन लीकेज ऑफ द करंट। ठीक है, तो अब आप जो है, जो लीकेज ऑफ करंट है वो कहाँ होगी, वो अर्थ वायर में जाएगी। ठीक है, वो कहाँ जाएगी, वो अर्थ वायर में चली जाएगी। आई होप ये बात क्लियर है, जो यहाँ स्टेटमेंट लिखी हुई है। ठीक है, ये आरसीडी पूछ रहे हैं, तो आरसीडी स्टैंड्स फॉर रेसिडुअल करंट डिवाइस। आरसीडी स्टैंड फॉर रेजिडुअल करंट डिवाइस। ठीक है, तो ये एक लाइफ सेविंग डिवाइस होती है। ठीक है, जो हमें जो है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक शॉक जो है, जब हमें उसमें वो उससे बचाती है। ठीक है, किसी के पास कोई मसला हो भाई इसमें, एक मिनट, एक काम और रहता है, अभी ठहरे फिर मसला देखते हैं। एक्सप्लेन द यूज ऑफ फॉलोइंग इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, द मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एंड द अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। द मिनिएचर सर्किट ब्रेकर प्रिवेंट्स एक्सेसिव करंट फ्लो थ्रू द सर्किट बाय ट्रिपिंग व्हेन द करंट एक्सीड्स अ फिक्स्ड रेटिंग, दिस कॉजेज इलेक्ट्रिकल सप्लाई फॉर द सर्किट टू बी कट ऑफ। द ईएलसीबी डिटेक्ट्स करंट लीकेज फ्रॉम द लाइव वायर टू द अर्थ वायर बाय मॉनिटरिंग द करंट फ्लोइंग फ्रॉम द लाइव वायर। When an electrical fault occurs, there will be current leakage to earth wire via the earth wire. ठीक है? तो leakage to the earth via the earth wire, therefore the current in live wire will be greater than the neutral, causing the ELCB to trip. तो जब भी न्यूट्रल वायर से अगर करंट जो है वो ग्रेटर होगा अर्थ वायर में, या अर्थ वायर में जैसे ही करंट आएगा, आप सिंपल यू सोचे, लाइव और न्यूट्रल वायर का करंट बराबर नहीं होगा, तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा। बस सिंपल इतना सा बात याद रखें। प्लीज अब फीडबैक दें। ये बेटा इस सेटअप में देर इज नो प्रॉब्लम, 8.3 एम्पेयर करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस हीटर एंड इज गोइंग थ्रू दिस न्यूट्रल वायर, बोथ द वायर्स आर हैविंग सेम अमाउंट ऑफ करंट। ठीक है, और ये इसकी केसिंग जो है ये मेटल की बनी हुई है। अब क्या हुआ, सर्टन कोई भी डैमेज हो गया इंसुलेशन, एंड द लाइव वायर इज इन कॉन्टेक्ट विद द मेटल केसिंग, सो व्हेन दिस पर्सन टचेज द मेटल केसिंग, द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू दिस बॉडी, इसकी बॉडी में से करंट पास करेगा, क्योंकि ये 0 वोल्ट पे, ये 240 वोल्ट पे है, तो करंट ऑलवेज फ्लोस फ्रॉम हायर टू लोअर वोल्टेज, तो ये इस तरह से फ्लो करके जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखें, अगर ये एक अर्थ वायर लगी हुई है, तो अब करंट यहां भी जाएगा,
और थोड़ा बहुत यहां भी जाएगा। अब क्या होगा, अब करंट इस इंसान में से पास नहीं करेगा बल्कि अर्थ वायर में चला जाएगा। तो जैसे ही अर्थ वायर में से पास करेगा तो ईएलसीबी ट्रिप कर जाएगा। ठीक है भाई, किसी को कोई मसला प्लीज मुझे मैसेज करें। ठीक है, मुश्तबा क्या कह रहे हैं? जी, अर्थ वायर में तभी करंट जाएगा, बिल्कुल बेटा, जब लाइव और न्यूट्रल वायर में करंट बराबर नहीं होगा तो करंट कहीं पे लीक हो रहा है ना, कहीं पे कुछ ना कुछ करंट कहीं जा रहा है। तो अर्थ वायर इज द ओनली पैसेज फॉर द करंट टू पास थ्रू, दैट्स वाई ये जो पर्सन है इसको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगा। ठीक है बेटा, ये बात समझ आ गई। तो प्रोटेक्टिव मेजर्स में हमारे पास ये दो सर्किट ब्रेकर, फ्यूज की बात हम कर चुके हैं, अर्थिंग में यहाँ समझा चुके हैं, ये अर्थिंग है। ठीक है, अर्थिंग की बात हम यहाँ कर चुके हैं, आई होप इस पे हम और टाइम वो नहीं कंज्यूम करते। देन दैट कम्स डबल इंसुलेशन। अब डबल इंसुलेशन को ये हमारे पास 3 पिन प्लग है, पहले इसको देखते हैं फिर डबल इंसुलेशन की तरफ जाते हैं। ये हमारे पास 3 पिन प्लग है और इसके साथ हम वायर्स को कनेक्ट कर रहे हैं, इसके कनेक्शंस को देखते हैं, इसके फॉल्ट्स को देखते हैं। देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि एग्जामिनर को ऐसा क्वेश्चन डिजाइन कर सकता है। सबसे पहले आपको कलर्स याद होंगे, आई होप, लाइव वायर का जो कलर था, लाइव वायर का कलर ब्राउन है, दिस इज लाइव वायर। ठीक है, ये आपके पास लाइव वायर है, ये आपके पास न्यूट्रल वायर है। ठीक है, और उसके बाद ये बीच में आपके पास, बल्कि ये न्यूट्रल नहीं है, न्यूट्रल वायर ये है, ये न्यूट्रल है और ये अर्थ की वायर है। ठीक है, अब बेटा इसमें कहीं पे था, ये रहा, ये 3 पिन प्लग है, ये स्विच में, इसको थोड़ा सा वर्किंग इस पे करते हैं। स्विचेज आर डिजाइन टू ब्रेक और कंप्लीट एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। बेटा कोई भी पोर्टेबल डिवाइस होती है, उस पोर्टेबल डिवाइस को जैसे फर्स्ट करते हैं, हमारे पास ब्लेंडर है, जूसर है, हम किचन में उठाते हैं उसको, वहां से निकाल कर घर में किसी और जगह पे जाकर, या हेयर ड्रायर है उसको हम जो है यूज कर लेते हैं, किसी भी जगह पे हम उसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो बाय मीन्स ऑफ स्विच सेफ कनेक्टिविटी होती है बेटा, मेन्स के साथ, मेन सप्लाई के साथ स्विच से सेफ कनेक्टिविटी होती है। स्विचेस मस्ट बी फिटेड टू द लाइव वायर सो दैट स्विचिंग ऑफ डिसकनेक्ट्स द हाई पोटेंशियल फ्रॉम द अप्लायंस। ये बात मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ कि फ्यूज की क्लास में, कि जो फ्यूज होता है वो हमेशा लाइव वायर में बिफोर द स्विच कनेक्टेड होता है। ठीक है, अब जो हमारे पास स्विच है जो हमें देखना है, दैट इज 3 पिन प्लग, इसको सेफ्टी प्लग भी कहते हैं। ये अक्सर हमने अपने घर में एयर कंडीशनिंग यूनिट्स या हमारे पास जो हाई करंट कैरिंग डिवाइसेज होती है उनमें हमें लगा हुआ देखते हैं हम। तो इसमें सेफ्टी फीचर्स के क्या है, द कार्ट्रिज फ्यूज, ये बेटा बीच में कार्ट्रिज फ्यूज लगा हुआ है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, प्रोटेक्ट्स द अप्लायंस व्हेन देयर इज एन इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। जैसे ही बेटा शॉर्ट सर्किट होगा ये फ्यूज क्या करेगा, ये फ्यूज ब्लो कर जाएगा, इसकी वजह से करंट जो होगा वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, हमारी अप्लायंस जो है वो क्या होगी, वो प्रोटेक्ट हो जाएगी, उसको कुछ डैमेज नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें ये अर्थ वायर भी नजर आ रही है, द अर्थ वायर प्रोटेक्ट्स द यूजर। ये बात पिछली क्लास में भी और अब दोबारा मैं कह रहा हूँ, फ्यूज का मेन पर्पज होता है टू प्रोटेक्ट द डिवाइस एंड अर्थ वायर का मेन पर्पज होता है टू प्रोटेक्ट द यूजर, यानी इंसान को बचाने के लिए हम अर्थ वायर यूज कर रहे होते हैं, अप्लाइंस को बचाने के लिए हम सर्किट ब्रेकर या फ्यूज यूज कर रहे होते हैं। इन दिस प्लग वी आर यूजिंग दैट फ्यूज, तो फ्यूज हमारी अप्लाइंस को यहाँ बचा रहा होगा किसी भी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट के उसमें। ठीक है, अब इसमें कलर्स देख लें, ये आपके पास लाइव वायर है। अच्छा, ये भी एक बात बताऊं, एग्जाम में आपको फ्यूज के साथ जो वायर कनेक्टेड होगी वो लाइव होगी, ये बात हमेशा याद रखें। जो ये सेंटर वाली यहाँ पे वायर होती है, ये हमेशा बेटा इंटरनेशनली इस तरह से होता है, ये सेंटर वाली जो वायर होती है ये हमेशा अर्थ वायर होती है। तो
जो बगैर फ्यूज के यहाँ वायर नजर आएगी ये आपकी लाइव सॉरी न्यूट्रल वायर होगी, ठीक है। देर इज अ प्रोबेबिलिटी वहां पे कलर ना हो एग्जाम के क्वेश्चन के अंदर, तो आपने देखना है कि फ्यूज के साथ जो वायर कनेक्टेड होगी, अगर आपको लेबल करना हो तो आप देखिएगा फ्यूज के साथ जो वायर कनेक्टेड है वो लाइव वायर है, और जो सेंटर वाली वायर होती है ये हमेशा अर्थ वायर होती है, और जो तीसरी रह जाएगी वो ऑब्वियसली वो न्यूट्रल वायर होगी। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम इसमें? लाइव वायर में इसलिए कनेक्ट किया ना बेटा कि ये फ्यूज प्रोटेक्ट करेगा अप्लायंस को व्हेन एक्सेसिव करंट फ्लोस थ्रू, इसलिए बेटा इसको कनेक्ट किया हुआ है। बेटा ये पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया हुआ है कि अगर फर्ज करते हैं ये फ्यूज यहाँ पे कनेक्टेड ना हो, फ्यूज यहाँ कनेक्टेड हो, तो अगर यहाँ से करंट फ्लो करता हुआ आएगा, अब ये फ्यूज यहाँ से ब्लो कर जाएगा, आपके डैमेज तो अप्लायंस तो डैमेज हो जाएगी, और अगर अप्लायंस डैमेज नहीं भी होती, फर्ज करते हैं फ्यूज जो है आपका यहाँ से ये फ्यूज जो है ये सर्किट यहाँ से क्लोज्ड है और आपके पास यहाँ से फ्यूज ब्लो कर गया, अब कोई ह्यूमन आके इसको टच करेगा तो लाइव वायरस इस ह्यूमन के साथ कांटेक्ट में आ रही होगी, तो स्टिल इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है इस अप्लायंस से, इसलिए लाइव वायर के अंदर स्विच को और फ्यूज को कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो अब बेटा अब इसके फॉल्ट देखते हैं। पहला फॉल्ट है दिस प्लग डज नॉट हैव अ फ्यूज, ठीक है, इसके पास आप देख लें यहाँ पे फ्यूज नहीं है इस वक्त, बगैर फ्यूज के इफेक्ट क्या होगा, विदाउट फ्यूज ये काम ही नहीं करेगा, इफेक्ट विदाउट अ फ्यूज द लाइव वायर इन द केबल इज नॉट इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड टू द लाइव वायर्स पिन सो अप्लायंस विल नॉट वर्क, तो ये फ्यूज यहाँ पे नहीं है, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए ये यहाँ पे प्रॉपरली काम नहीं करेगा, पहला डिफेक्ट तो ये हो सकता है इसका। सेकंड बेटा यहाँ पर आप देखें अर्थ वायर को इसके अंदर पिन के अंदर इसके साथ फिक्स नहीं किया गया, द अर्थ वायर इज नॉट कनेक्टेड टू द अर्थ पिन, इफेक्ट द मेटल केसिंग विल बी लाइव इफ द लाइव वायर टचेस द मेटल केसिंग द फ्यूज विल नॉट ब्लो, क्योंकि ये अर्थ वायर जब सर्किट में कनेक्टेड ही नहीं है तो कैसे इसके अंदर करंट आएगा, इसके अंदर तो करंट आएगा ही नहीं, ठीक है बात समझ गए, तो इस तरह से ये जो भी मेटल केसिंग को हाथ लगाएगा उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। नेक्स्ट है द न्यूट्रल वायर इज नॉट कनेक्टेड टू द न्यूट्रल पिन, देखिए अर्थ वायर कनेक्टेड है, लाइव वायर कनेक्टेड है, न्यूट्रल वायर कनेक्टेड नहीं है, द सर्किट इज नॉट कंप्लीटेड सो अप्लायंस विल नॉट वर्क, तो आपको पता है ना करंट लाइव वायर से आके न्यूट्रल वायर से होता हुआ वापस जाएगा, तो यहाँ पर ये सर्किट ही पूरा नहीं है इसलिए अप्लायंस काम नहीं करेगी। थर्ड फोर्थ वन, यहाँ पर अगर आप देखें तो बोथ द अर्थ वायर एंड लाइव वायर आर बेयर, ये देखें ये बेयर वायर है, इनकी इंसुलेशन बहुत ज्यादा उसने उतार दी है जो भी टेक्नीशियन था, तो अब क्या होगा इफ दीज वायर्स टच ईच अदर इट विल रिजल्ट इन ए शॉर्ट सर्किट एंड द फ्यूज विल ब्लो, ठीक है फ्यूज ब्लो कर जाएगा, शॉर्ट सर्किट कॉज करेगा ये, तो हमारे पास जो परफेक्ट इसका कनेक्शन है, देखिए यहाँ पर कहीं भी बेयर वायर आपको नजर नहीं आ रही। अच्छा लास्ट इसका ये है कि अगर आपने इन सारी डायग्राम्स को देखें यहाँ पर ये ग्रिप केबल को ग्रिप करने के लिए यहाँ पे एक होती है केबल ग्रिप है, इसमें क्या होता है ये इससे केबल क्योंकि जैसे हम इसको केबल कंटिन्यूसली मूव करती है कभी इधर कभी इधर जा रही है तो ये कनेक्शन लूज हो सकता है, तो ये जो ग्रिप केबल है ये इसके अंदर जो वायर्स हैं इनको मूव नहीं करने देती, ये फिक्स रहती है और इससे जो केबल है उसकी क्या हो जाएगी बेटा कनेक्शन सेफ रहेंगे। अब ये इसी तरह से कुछ है मिस्टेक नो केबल ग्रिप इज कनेक्टेड, ये देखें केबल ग्रिप नहीं लगी हुई, इफ द केबल वाज पुल्ड वन और मोर वायर्स कुड बिकम डिटैच्ड फ्रॉम देयर पिन्स एंड प्लग कुड नो लॉन्गर वर्क और कुड बी डेंजरस, तो इससे वो बेयर भी हो सकती है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ठीक है लूज कनेक्शन हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें जनरेट हो सकती है, तो ये हमारे पास थ्री पिन जो प्लग है वो अगर हम उसको यू कैसे उसमें फॉल्ट आ सकते हैं एग्जाम के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हमने यहाँ पे देखा लाइव और न्यूट्रल वायर के कलर्स किस तरह के हैं, ये हम अपनी अप्लायंस को जो अप्लायंस लार्ज करंट कैरी करती हैं उनके लिए हम इसको यूज कर रहे होते हैं, ठीक है तो आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, मुझे फीडबैक दे दीजिए।
अच्छा बेटा, अब बेटा इसमें एक एक काम और था। यस, सजेस्ट वन एडवांटेज ऑफ यूजिंग सर्किट ब्रेकर रादर देन अ फ्यूज टू प्रोटेक्ट एन अप्लायंस। अ सर्किट ब्रेकर कैन इजीली रीसेट टू वर्क अगेन व्हाइल अ मेल्टेड फ्यूज हैज टू बी रिप्लेस्ड। इसलिए बेटा आजकल जो हमारे पास मॉडर्न जितने भी इलेक्ट्रिक वायरिंग वगैरह घर में हम करते हैं, तो वहां पर सर्किट ब्रेकर हम यूज करते हैं, हम फ्यूज को यूज नहीं करते। पहले किसी दौर में आपने शायद किसी ने देखे हो, वो व्हाइट कलर के फ्यूज होते थे, सिरेमिक के बने हुए, तो वो उसके अंदर मेटल की वायर लगाकर घर में फिक्स किया जाता था। अब वो खत्म हो गया दौर, अब हम सर्किट ब्रेकर्स को यूज करते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद बेटा ये एक और यहीं पे देख लेते हैं, फिर वहां पे मैं जाऊंगा वापस। इफ द लाइव वायर, यस, फ्यूज का ऑल्टरनेटिव है, बिल्कुल सही है बात। इफ द लाइव वायर इज नॉट प्रॉपरली कनेक्टेड एंड इट टचेस द मेटल केसिंग ऑफ द अप्लायंस, द अर्थ वायर कनेक्टेड टू द मेटल केसिंग विल डाइवर्ट द लार्ज करंट ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फॉल्ट टू द ग्राउंड। दिस प्रिवेंट्स पीपल हु टच इट फ्रॉम सफरिंग एन इलेक्ट्रिक शॉक। द लार्ज करंट फ्लोस थ्रू द अर्थ वायर व्हिच इज ऑफ मच लोअर रेजिस्टेंस दैट द पर्सन रेजिस्टेंस। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली मैं ये काम करना चाह रहा हूँ। द इलेक्ट्रिक केबल इज इंसुलेटेड फ्रॉम इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ द अप्लाइंस एंड द इंटरनल कंपोनेंट्स आर ऑल्सो इंसुलेटेड फ्रॉम द एक्सटर्नल केसिंग, यानी डबल इंसुलेट किया हुआ। दोबारा देखें, द इलेक्ट्रिक केबल इज इंसुलेटेड फ्रॉम इंटरनल कंपोनेंट्स, इंटरनल कंपोनेंट से भी वो इंसुलेट किया हुआ है और इंटरनल कंपोनेंट भी इंसुलेट हुए हैं। एज अप्लाइंस विद दिस फीचर नॉर्मली हैव नॉन मेटेलिक केसिंग। ठीक है, आजकल जो मॉडर्न हमारे पास वॉशिंग मशीन्स हैं, या आपका हेयर ड्रायर होता है उसकी प्लास्टिक की बॉडी होती है, या अगर आप और कोई ऐसी किचन में यूज होने वाली जितनी भी अप्लायंसेस इलेक्ट्रिकल हैं, वो सारी की सारी डबल इंसुलेटेड होती है। इट प्रिवेंट्स एनी करंट फ्रॉम रीचिंग द यूजर इवन इन द इवेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। डबल इंसुलेट किया हुआ है और इसका जो सर्किट सिंबल होता है वो इस तरह का होता है। किसी भी अप्लायंस के बॉक्स पे अगर इस तरह का सिंबल बना होगा तो इसका मतलब वो अप्लायंस डबल इंसुलेटेड है। ठीक है, तो अब इसको जरा ये देखना, ये हमारे पास इंसुलेट हुआ हुआ है, ये प्लग भी आपके पास। ठीक है, ये लार्ज करंट कैरिंग है, ये लार्ज करंट कैरी करता है, ये लो करंट पे बाहर इंसुलेटेड हुआ हुआ है। तो मैं डबल इंसुलेशन और कहाँ गया, ये डबल इंसुलेशन था इसमें। यस, ये प्लास्टिक की बॉडी बनी हुई है, ये भी इंसुलेट हुआ हुआ है, इसका जो स्विच है वो भी इंसुलेट है। ठीक है, यहाँ पे कहीं लिखा था, फॉर द डबल इंसुलेटेड अप्लायंसेस द आउटर केसिंग इज मेड ऑफ इंसुलेटर्स, फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक। इन द इवेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट लाइव वायर टचेज प्लास्टिक केसिंग, द केसिंग विल नॉट बिकम लाइव, द यूजर विल नॉट गेट इलेक्ट्रिक शॉक, हेंस नो अर्थ वायर इज रिक्वायर्ड। डबल इंसुलेशन में अर्थ वायर की जरूरत नहीं। ठीक है, ये आप देखें कि अप्लायंस का ये अर्थ वायर का आपको नजर आ रहा है, ये प्लास्टिक का बना हुआ है। ठीक है, अभी जो मैंने पढ़ाया था वो प्लास्टिक की पिन नहीं थी, वो पिन मेटल की थी। तो जब जिस भी अप्लायंस के साथ आप इस तरह का स्विच लगा हुआ देखें जिसमें अर्थ वायर वाला ये पिन फॉल्स हो, यानी प्लास्टिक का हो, आप समझ जाइएगा कि ये डबल इंसुलेटेड अप्लायंस है। अब यहाँ पर देखें, इसमें ये भी डबल इंसुलेटेड अप्लायंस के लिए, क्योंकि यह अर्थ वायर की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया डबल इंसुलेशन क्या होती है। सही है बेटा, ये एक अप्लायंस है और इस पे आप देख लें, दिस इज द सिंबल फॉर डबल इंसुलेशन। 230 वोल्ट, 50 हर्ट्स, 23.2 वॉट्स इसका पावर है। ठीक है, ये अब आपके पास अप्लायंस के लिए, आई होप आप आपको अंडरस्टैंडिंग होगी इस अप्लायंस पे। यहाँ पे ये सेफ्टी के लिए लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, डबल इंसुलेटेड है, ये फैन हमारे पास है।
मुझे प्लीज आप लोग आंसर करें, लाइव वायर का क्या वोल्टेज होती है, न्यूट्रल की क्या होती है, अर्थ वायर की क्या होती है? जी बेटा प्लीज आंसर कीजिए। ठीक है बेटा, सही है। तो लाइव वायर का सही आंसर दिया 240 वोल्ट, न्यूट्रल वायर 0 वोल्ट और अर्थ वायर भी 0 वोल्ट। ठीक है, तो अब आपने याद रखते हैं क्या सिखाया यहाँ से, लाइव एंड न्यूट्रल वायर्स हैव सेम करंट नॉट द वोल्टेज। ठीक है, दे हैव सेम करंट, करंट सेम होगा बट उनका वोल्टेज कम होगा। ठीक है, उनका वोल्टेज बराबर नहीं होगा, न्यूट्रल वायर 0 वोल्ट पे। ठीक है, मैं भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, मुझे कहीं सर्किट मिल जाए। ये रहा देखें, ये आपके पास 240 वोल्ट पे है, ये स्विच क्लोज है, ये 0 वोल्ट पे है। बेटा करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे फ्लो करेगा ना, अगर ये 240 वोल्ट पे है और ये भी 240 वोल्ट पे है तो क्या करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा। तो इसलिए न्यूट्रल वायर हमेशा 0 वोल्ट पे होगी और लाइव वायर जो है वो आपके पास हमेशा कहाँ होगी, वो आपके पास 240 वोल्ट पे। ठीक है, ठीक है बेटा। अच्छा, अब ये हो गया, ये प्लग मैंने समझा दिया। तो ठीक है, पोजीशन ऑफ स्विचेस, फ्यूजेस, सर्किट ब्रेकर्स ऑलवेज वायर्ड इनटू लाइव कंडक्टर्स। अ फॉल्ट इन द अप्लायंस लीड्स टू अ शॉर्ट सर्किट कॉजिंग द करंट टू इंक्रीज। दिस मेल्ट्स द फ्यूज एंड ओपन द सर्किट एंड द अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग। इन द केस ऑफ अ सर्किट ब्रेकर इट ट्रिप्स एंड ओपन द सर्किट। ये इतनी दफा रिपीट हो चुका है, अब आपको याद हो जाना चाहिए। व्हाट विल हैपन हाउएवर इफ द फ्यूज और सर्किट ब्रेकर इज कनेक्टेड टू द न्यूट्रल वायर। Instead of connecting over here, it's connected to neutral wire. If the fuse is in the neutral wire, the current stops if there is a fault in the appliance. But the appliance is still connected to the live wire. देख लो, ये सर्किट को मैं क्लोज करता हूँ, ये सर्किट यहाँ से क्लोज हो गया, तो अब ये स्टिल कनेक्टेड है बेटा। ये वाला एंड इसका 240 वोल्ट से कनेक्टेड है, ये पूरा एंड 240 वोल्ट पे। अब जैसे ही कोई और पर्सन इसको हाथ लगाएगा तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और ये अप्लायंस काम करना स्टार्ट कर देगी। तो इफ द फ्यूज इन इन द न्यूट्रल वायर द करंट स्टॉप्स इफ देयर इज अ फॉल्ट इन द अप्लायंस बट द अप्लायंस इज स्टिल कनेक्टेड टू द लाइव वायर। सो इफ यू आर टू टच द अप्लायंस नाउ करंट विल फ्लो थ्रू योर बॉडी, इंस्टेड यू विल गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक व्हिच कुड बी फेटल। द फ्यूज मस्ट बी इन द लाइव वायर सो दैट इट आइसोलेट्स द अप्लायंस फ्रॉम हाई वोल्टेज in the event of fault. This is why we connect the switch, circuit breaker, fuse in the live wire. आपने इसके लिए ये justification examiner को देनी है, ये मैं share कर दूंगा। इसमें से बहुत सारी चीजें आपको याद करने की हैं। ठीक है, किसी का कोई इसमें query, कोई feedback मुझे please बताएं। ये यहाँ पे example भी है, switch is connected over here, the switch is open. Now the live wire is at higher voltage. Live wire higher voltage पे जैसे ये person हाथ लगाता है, current यहाँ से होता हुआ इस metal casing से यहाँ पे flow कर देता है। ठीक है? This is the correct connection. ये इसका correct connection है। ये live wire में fuse भी है, switch भी है। ठीक है बेटा।
मैं नहीं कर रहा, इनसे आगे ठीक है। इसमें बेटा एक काम और रहता है, वो पता नहीं कहाँ गई। चलो वो फाइल नहीं मेरे पास अभी, तो बाद में देखते। ठीक है बेटा, तो ये हमारा काफी हद तक तो कवर हो गया। इसमें किसी के जहन में कोई क्वेरी है तो प्लीज मुझे बताएं, तो मैं फिर उसको एड्रेस कर लूँ। अदरवाइज हमने ये प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी का रिमेनिंग पार्ट कंप्लीट कर लिया। प्लीज बताइए अगर कोई फीडबैक है आप लोगों का। चले ठीक है बेटा, अब इसमें काफी हद तक हमारा काम हो गया। बेटा ये सर्किट देखो, ये स्विच ओपन है, ये लाइव वायर है, ये 240 वोल्ट पे है, और ये ह्यूमन जो हाथ लगा रहा है ये 0 वोल्ट पे है, और ये न्यूट्रल वायर जो है, ये न्यूट्रल वायर भी जो है हमारे पास, ये 240 वोल्ट पे है और ये 0 वोल्ट पे है। ठीक है, ये पर्सन भी 0 वोल्ट पे है। अब जैसे ही ये पर्सन टच करेगा इसको, तो ये करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, तो ये फ्लो करता हुआ यहाँ से इस पर्सन को इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है अगर ये मेटल केसिंग है। ठीक है, तो मेटल केसिंग इज एट हायर वोल्टेज 240 वोल्ट एज इट इज स्टिल कनेक्टेड टू द लाइव वायर इवन दो द स्विच इज ओपन। द लार्ज करंट फ्लोज थ्रू द पर्सन टू अर्थ कॉजिंग अ नास्टी इलेक्ट्रिक शॉक। ठीक है बेटा, करंट हमेशा बेटा लाइव और न्यूट्रल वायर में होगा, अर्थ वायर में लीकेज वाला करंट होगा। दो ही तो वायर्स हैं, लाइव और न्यूट्रल, करंट दोनों में होगा। वोल्टेज लाइव वायर की 240 है, न्यूट्रल की 0 है। ठीक है, अगर इसको लाइव वायर में लगा देंगे तो ये सर्किट यहाँ से ओपन ओपन किया हुआ है। अब करंट ये सारी वायर इस पॉइंट तक 240 वोल्ट पे है, इससे ऑनवर्ड ये 0 वोल्ट पे, यानी ये इस वक्त इस मेन सप्लाई से डिसकनेक्टेड है, ये 0 वोल्ट पे। तो अब पर्सन अगर इसको हाथ लगाएगा, ये पर्सन भी 0 वोल्ट पे, ये भी 0 वोल्ट पे, तो इसको करंट ही नहीं लगेगा, इसको शॉक नहीं लगेगा। मेटल केसिंग इज एट लो वोल्टेज ऑलमोस्ट 0 वोल्ट्स एज इट इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम द लाइव वायर बाय द ओपन स्विच। इस ओपन स्विच की वजह से ये 240 वोल्ट से डिसकनेक्ट किया हुआ है आपने। ठीक है, नो करंट फ्लोज थ्रू द पर्सन टचिंग द केसिंग। ठीक है बेटा, और कोई क्वेरी किसी के जहन में?